पकड़ लो। शॉर्ट फिल्म्स तो सब लोग बनाते रहते हैं, इसको थिएटर के लिए रिलीज करने का आइडिया ऐसा नहीं कि नया, अभी बॉम्बे टॉकीज हुआ था, ये सब हुआ था, लेकिन डाइवर्स शॉर्ट्स इस तरह की बनाना और उसको रिलीज करने के लिए काफ़ी एफर्ट चाहिए, जो एक्चुअली ओनली बिकॉज PVR के शिलादित्य बोरा और तुम भी, LC सिंह सर और दीप सिंह कक्कड़, इन लोगों के साथ बैठ के आया था, उन लोगों ने पिच किया था कि इसको थिएटर के लिए रिलीज़ करते हैं। मैं तो जहाँ लगता है जो चीज़ अच्छी हो रही मैं तो सिर्फ खड़ा हो जाता हूँ साथ में सपोर्ट करने के लिए। It is, see, I've been wanting to do that for a long time and I only push other people to do it. I said karo. I think it does give a lot of encouragement to exhibitors and distributors, the Bombay Talkies. बाकी तो हमारे पास बहुत material है, हम लोग तो online release करते रहते हैं, but this is our first effort to put it out on screen. And if it works, it will encourage so many filmmakers. एक एक करके पहले उधर से। हाँ हाँ, I have lots of favorite short films, but I'm not playing favorites here, so I won't say anything. But you'll see, because you know, amazing thing is, all these shorts were conceived during Gangs of Wasseypur. So all the directors were the assistants on the film, and they picked out their own actors from the film, and they quietly approached them and figured it out, and then Tumbi and we all kind of came and backed it up. So that's how it happened. Do you feel any kind of this short film can be made as a full-fledged movie? Do you want to make it short only? Yeah, it depends on the filmmaker. The short film, it's a different format. Everything can be a full-fledged film. मैं आपको 2 घंटे शूट कर दूंगा, वो पिक्चर हो जाएगी 2 घंटे। यार शॉर्ट्स इज द फ्यूचर, अभी स्क्रीन आपकी छोटी होती जा रही है तो फिल्म भी उसी हिसाब से ड्यूरेशन छोटे होते जाएंगे, आदमी के अंदर उतना है वो देखेगा, और शॉर्ट्स का डेफिनेटली बहुत बड़ा फ्यूचर है, एंड अच्छी बात है कि स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। और शॉर्ट्स के साथ एक दूसरा एडवांटेज भी आता है कि शॉर्ट्स जो है आपके फीचर वाले बजट की फिल्में नहीं होती, वो ये जो आप अभी फिल्म बना रहे हैं तो वो आप 5 डायरेक्टर्स मिलकर बना रहे हैं, तो इससे पहले भी आपने बॉम्बे टॉकीज़ पांच डायरेक्टर्स ने अपनी अलग अलग शॉर्ट्स बनाई। हाँ, मतलब ये कोई बॉलीवुड का नया ट्रेंड है या कुछ? ये ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं है, हम लोग एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हर आदमी अपना अपना काम दिखा रहा है लोगों को, जिसकी वजह से वो आगे जाके और फीचर बनाएगा प्लेटफॉर्म, एंड दे हैव वेरी गुड शॉर्ट फिल्म, दे हैव वन अवार्ड्स इंटरनेशनली इन लास्ट 2 ईयर्स, अब जस्ट देखो कितने अवार्ड मिले उसको, आपको पता चल जाएगा इंटरनेशनली। आई होप सो, एग्जीबिटर निकाल के काट के फेंक देते हैं, प्रॉब्लम है वो सिगरेट वाला जो शॉट आता है ना, टोबैको वाला, वो कोई नहीं निकाल के फेंकता, लेकिन जो असली शॉट होगा वो निकाल के फेंक देंगे एग्जीबिटर। उनके परफॉर्मेंसेस को कैसे देखते हो? मतलब देख चुका हूँ, बहुत अच्छे हैं। आई डोंट, एज अ डायरेक्टर आई डोंट कम इन द वे ऑफ द फिल्म मेकर, आई एम अ प्रोड्यूसर ऑन दिस एंड द डायरेक्टर्स आर दोस 5 डिफरेंट डायरेक्टर्स, उनकी फिल्में हैं। किसकी फिल्म ज़्यादा पसंद आई है? मैं फेवरेट नहीं प्ले करता हूँ, फिल्म फेयर अवार्ड नहीं है। शिप ऑफ थीसियस शॉर्ट फिल्म नहीं है, प्रॉपर फीचर फिल्म है। वो बॉक्स इंडिया में रिलीज ही नहीं करते, इंडिया में एक साइकोलॉजिकल वो है कि फिल्म फेस्टिवल में जाती है तो बड़ी बोरिंग होती है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो एग्जिबिटर्स के साथ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आप लोग दूर करेंगे, आप लोग उस प्रॉब्लम को दूर करने आप लोग बढ़ाते रहते हो। सोल्यूशन लोग ढूंढ रहे हैं, फिल्म मेकर को अपनी फिल्म बनानी है और हर फिल्म मेकर की अपनी स्ट्रगल है, मैंने भी सोल्यूशन ढूंढ लिया, अपनी पिक्चर रिलीज करवा ली एक दिन फाइनली, हर कोई अपने अपना सोल्यूशन ढूंढेगा, और हम लोग को किसी का करना, सबको सब लोग क्रच
नहीं ढूंढ सकते ना, आदमी को अपने आप खड़ा होना पड़ेगा धीरे धीरे सबको। बहुत ज़्यादा चलन है वो जो आपको थिएटर में नहीं लगती है, लेकिन इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट फिल्म देखते हैं।